हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएस इंग्लिश क्लासेस। आई एम पारुल। और बच्चों, आज का टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मीन्स भविष्य में जारी। इसमें हमें किसी ऐसे कार्य का पता चलता है जो भविष्य में जारी है और पूरा नहीं होगा, मतलब फ्यूचर में जारी रहेगा और वो कार्य जारी होगा, इट मीन्स पूरा नहीं होगा। और अगर आपको ट्रांसलेशन करनी है हिंदी से इंग्लिश, तो हिंदी के वाक्य की पहचान क्या होगी कि हिंदी के वाक्य में क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, और कभी कभी रहता होगा, रहती होगी, इस तरह से भी आ जाता है। अब इसमें दो तरह के आप एक्शन देखेंगे। जैसे सेंटेंस है, वह खेल रहा होगा, तो इस सेंटेंस से हमें पता चला है जब हम इसे बोल रहे हैं तो उस समय ये कार्य जारी है, इट मीन्स हमारे आंखों के सामने नहीं है लेकिन हम उसको एज्यूम कर रहे हैं कि वो इस समय क्या कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल में हैं और लंच का टाइम है और घर पे आपकी मम्मी है, तो आपकी मम्मी कह रही होगी इस समय मेरा बेटा या मेरी बेटी लंच कर रही होगी, खाना खा रही होगी। तो इस तरह से जिस समय ये सेंटेंस बोला जा रहा है तो उस समय ये जारी है, यानी कि जब हम इसको बोल रहे हैं तो उस समय जारी है ये वर्क। दूसरा एक भविष्य में जारी है, जैसे मैं उस समय खेल रहा हूंगा, मैं कल इस समय पढ़ रहा हूंगा। तो इस तरह के दो प्रकार के एक्शन इसमें हमें देखने को मिलते हैं, एक तो बोलते समय जारी और एक भविष्य में जारी। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात कर ले बच्चों, तो विल बी और शैल बी इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है। अब इसमें बी क्यों लगाते हैं, क्योंकि कार्य जारी होता है तो वर्ब की फर्स्टों में आईएनजी, जब कोई भी कार्य जब कंटिन्यू होता है तो वर्ब की फर्स्टों में आईएनजी से ही उसे शो करते हैं। अब विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्टों में आईएनजी तो आ नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूले में आपकी हेल्पिंग वर्ब बनी है बी लगा के, तो बी आपको मैंने पहले भी बताया बी क्या होता है, क्या है, इज, आर, एम, वॉज, वर, है ना, ये इनको क्या कहते हैं, बी वर्ब कहते हैं। तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ सकता है, तो इसलिए ये फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एडवर्ब, दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। जैसे वह खेल रहा होगा, He will be playing, तो he के साथ will लेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि I will और shall का use कहाँ होता है, future indefinite में क्लियर हो गई है ये चीज। तो he will be playing, मैं उस समय खेल रहा हूंगा, I shall be playing at that time। तो इस sentence में आप देख रहे हैं at that time क्या है, यहाँ पे ये adverb of time है। जैसे कि मैंने आपको बताया एडवर्ब में tomorrow, in the class, here, there, ये सब एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, और यहाँ पे आई की वजह से शैल आया है, तो आई शैल बी प्लेइंग। नेक्स्ट, नेगेटिव में आपको क्या करना है, नेगेटिव में ध्यान रखना है नॉट कहाँ लगाना है, विल, शैल और बी के बीच में, यानी कि विल या शैल और बी के बीच में नॉट आएगा, ये ध्यान रखना है। जैसे तुम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होंगे, तो यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम टुमोरो। तो इस सेंटेंस में बच्चों आपको नॉट का ध्यान रखना है, नॉट विल और बी के या शैल या बी के बीच में आएगा। विल क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम विल यहाँ पे सेकंड पर्सन है, तो हमने विल लिया है और इसमें कोई अनिवार्यता भी नहीं है। वह पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग विल आया, ही विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, बस आपको नॉट का ध्यान रखना है कि नॉट कहाँ लगेगा। नेक्स्ट में आप देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में बच्चों फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो फर्स्ट टाइप में आप देखेंगे जो हिंदी का सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट होता है, और जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो स्टार्टिंग में इस क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, विल या शैल। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे बी विल शैल के साथ नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। और यदि आपको नोट लगाना है तो बी से पहले नोट रखना है, फिर वर्क की फर्स्ट फॉर्म, बाकी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। क्या वह बच्चा अपने खिलौने से नहीं खेल रहा होगा, तो यहाँ पे क्या के लिए हम विल या शैल रखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट को भी देख लेंगे, सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है या कोई और पर्सन है, तो हम देख रहे हैं वह बच्चा, तो इसके अकॉर्डिंग विल आएगा, तो विल दैट चाइल्ड। फिर इसमें नहीं भी आ रहा है तो बी से पहले नॉट लगाएंगे, नॉट बी, तो विल दैट चाइल्ड नॉट बी प्लेइंग विद हिज टॉयज, और क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखेंगे इसमें। क्या हम कल पैदल नहीं जा रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या के लिए हमने शैल लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वी है, फर्स्ट पर्सन है, और आई वी के साथ ही शैल लगता है, तो शैल वी, और नॉट इसमें भी आ रहा है तो बी से पहले रखेंगे, नहीं आ रहा है तो सीधा बी लगाएंगे। शैल वी नॉट बी गोइंग ऑन फुट टुमोरो, अब आज में देख रहे हैं कि ऑन फुट टुमोरो, टुमोरो आया इसमें, उसमें विद हिज टॉयज आया है,
तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि ये जो आप ऑब्जेक्ट निकालना भी आपको आना चाहिए सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट वाले ही मैंने वीडियो अलग से डाल रखी है तो आप उसे देख लीजिएगा। प्रश्नवाचक शब्द हिंदी के वाक्य के बीच में आता है। प्रश्नवाचक शब्द यानी कि सेकंड टाइप में जब क्वेश्चन वर्ड होता है तो हिंदी वाक्य के बीच में आता है, जैसे स्कूल में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी जो है सबसे पहले रखते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद विल शैल। अब आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला चेंज करना भी आना चाहिए। जो फर्स्ट टाइप फॉर्मूला है तो सिर्फ इसमें क्या करना है आपको, सारा फॉर्मूला तो सेम है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लगेगा स्टार्टिंग में और आपका सेकंड टाइप बन जाएगा, यही फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बढ़ गया, बाकी सेम फॉर्मूला है। स्कूल में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं इसलिए हाउ मैनी आया है। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी स्टडिंग इन द स्कूल। अब यहाँ पे विल भी एक साथ आया क्योंकि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो हाउ मैनी के साथ आ गया है, तो इसलिए विल भी यहाँ पे एक साथ आया। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी स्टडिंग इन स्कूल, ये ध्यान रखना है बच्चों कि हाउ मैनी वाले सेंटेंस में विल बी या शैल भी एक साथ आएगा। वे कल किसे पढ़ा रहे होंगे तो हुम विल दे बी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे विल बी एक साथ नहीं है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दे है, तो दे के बाद ही रखेंगे बी को। हुम विल दे बी टीचिंग टुमोरो। तुम कल किसकी किताब पढ़ रहे होगे तो हुज बुक। अब यहाँ पे बुक हुज के साथ आया लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट है यू, तो तुम किसकी किताब पढ़ रहे हो, हुज बुक विल यू बी रीडिंग टुमोरो। तो इन सेंटेंसेस में ध्यान रखना है बच्चों, तुम्हें कल कौन पढ़ा रहा होगा तो हु विल बी। हु वाले सेंटेंस में भी विल बी और शैल भी एक साथ आएगा क्योंकि हु मैंने आपको बताया पहले भी सब्जेक्ट भी होता है और क्वेश्चन वर्ड भी होता है, तो हु विल बी टीचिंग यू टुमोरो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।